अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरी फैमिली समेत हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह पाक बुरी नज़र, बुरी घड़ी, बुरे वक्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू की माँ की रेसिपी। आइए अब स्टार्ट करते हैं। आएंगे 1 किलो कीमा, 3 से 4 अदर बड़े साइज के टमाटर, 1/2 kg मैंने आलू लिए हैं और 2 से 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट भी मैंने लिए है। दही गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया और मिर्चें फ्रेश ली है। ऑयल 1 कप ऑयल लिया, उसमें हम प्याज डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, प्याजों को हम लोग फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट और इसे जब तक गोल्डन वाइट गोल्डन प्याज नहीं हो जाते तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। और 1 कप चाय जो हम साथ पिएंगे और साथ रेसिपी एंजॉय करेंगे। पेस्ट और लहसुन का पेस्ट हम साथ शामिल कर देंगे। टमाटर कितना प्यारी खुशबू और माशाल्लाह से आप कलर देखते होंगे। अब इन्हें कवर करके रखेंगे 2 से 3 मिनट। 1 स्पून भर के हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी भर के, 1 टीस्पून इसमें जरफल मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, नमक जाएगा हसबे जायका, मैंने 1 टीस्पून से कम डाला है इसमें। अब हम इसे कवर करके रखेंगे 2 मिनट ऐड करेंगे। अब हम लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे, फ्लेम लो कर देंगे। ये देखिए, देखते हैं क्या बना। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कुक हो रहा है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू धो के मैंने काट लिए थे, पानी में डाल दिए थे। आलू साथ फ्राई करेंगे, भूनेंगे, तो पकाएंगे साथ ही। बहुत प्यारी, बहुत मजे की खुशबू आ रही है। ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाए, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनेंगे और होममेड मसालों के साथ कोई खास इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुंची हमारी आज, वो अब ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें माशाल्लाह से खास रहमते हैं, नेमते हैं हमारे लिए। आलू कीमा की ये कीमा जो होता है ना, ये वो है क्या कहते हैं, तकवे के साथ बनाया वो हाथों से, हाथों का कीमा, मशीन का कीमा नहीं है। अब हम इसे इसमें पानी ऐड करेंगे, उतना ऐड करेंगे कि जितने में ये हमारा कीमा और आलू अच्छी तरह पक जाए। हम लोगों ने फ्राई ज्यादा किया तो तकरीबन 75% पक चुके हैं, तो ये जो थोड़ा दम है और इसमें इस पानी में बन जाएगा। अब हमारा आलू कीमा की रेसिपी रेडी होगी। अब हम इसमें धनिया मिर्च डालेंगे और गरम मसाला
ऐड करेंगे इसमें भुना कुटा हुआ। हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।